हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीआरएस टेक्निकल। तो कैसे हो आप सब? आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि जो पजामा है उसका नाड़ा बड़े ही सरल तरीके से आप कैसे लगा सकते हैं। तो आज के इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगती हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, ये हमारा पजामा है और ये है रहा उसका नाड़ा। तो इसको लगाने के लिए हमको ये सेफ्टी पिन की आवश्यकता पड़ती है। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि हमको किस तरीके से इसको लगाना होता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो पजामे का जो नाड़ा है उसका ये जो कोना वाला जो पार्ट होता है उसमें हमको सेफ्टी पिन इस तरीके से इंसर्ट कर लेना है, जिस तरीके से मैं आप लोगों को बताऊँगी। क्योंकि मैं एक हाथ से वीडियो शूट कर रही हूँ और एक हाथ से आपको बतला रही हूँ तो थोड़ा कष्ट हो सकता है। तो ये देखिए, हमने इसको इस तरीके से अटैच कर लिया है। अब हमको क्या करना है कि ये जो पजामे का जो बीच वाला जो पार्ट है, ये आप देख सकते हैं, इसमें हमको इसको इस तरीके से इंसर्ट करना है। ये हमने इसको इंसर्ट कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, इस तरीके से दोनों हाथ से पकड़ पकड़ करके इस तरीके से आगे इसको बढ़ाते जाएंगे। तो ये हम आगे प्रोसेस करते हैं। ये देखिए दोस्तों, इतने सरल तरीके से हमने यहाँ तक इसको कर लिया है। इसी तरीके से हम इसको पूरा कम्प्लीट करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं दोस्तों, ये पूरा अच्छे तरीके से कम्प्लीट हो गया है। ये देखिए, अब हम इसको दोनों तरफ से ठीक करने के लिए सबसे पहले इसको जो जारबन है, नाड़ा जो है, उसको अच्छे तरीके से पहले बांध लेते हैं, फिर हम इसको सही करेंगे। इस तरीके से कोनों में हमने इस तरीके से गांठ लगा लिया है, आप देख सकते हैं पूरा पजामा इस तरीके से हो जाएगा। अब हम इसको ठीक करेंगे। तो देख सकते हैं दोस्तों, बड़े ही आसान तरीके से ये पजामे का जो नाड़ा है हमने यहाँ पर लगा लिया है। ये देखिए, बिल्कुल फर्स्ट क्लास हो गया है। तो इसी तरीके से बड़े ही आप आसानी तरीके से पजामे का नाड़ा लगा सकते हैं एक सेफ्टी पिन की मदद से। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, मददगार लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।